वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिसे आपने देख लिया होगा थंबनेल पर कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए कितना और कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं आज को फिर से बता देता हूँ कि बी कॉम सेम फाई मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और ये कब का सम है तो आप देख सकते हैं नवंबर 2018 का ये सम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आपको आगे भी देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का सेम फाई, और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा वो सम नंबर। मैं आपको बता देता हूँ कि सम नंबर 2 सॉरी चैप्टर नंबर टू सम नंबर 1, इसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नवंबर 2018 के बारे में। तो ये देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर ये लेकर ही बैठा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमें यहाँ पर सिंपल से बोला गया है कि नीचे आपेल पाक सरोया वलण दर्शावती टकावारी पत्र को तैयार करो। कौन से पत्र को तैयार करने हैं दोस्तों? हमें यहाँ पर टकावारी दर्शावता पत्र को हमें यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये रकम को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, और हाँ 14 मार्क्स का समय दोस्तों याद रखना है। 14 मार्क्स कितने? 14 मार्क्स। तो सबसे पहले जो आपको पाकु सर्वयु किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट जो है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल सी उसका फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले विगत रकम, ये जो भी साल दिया है वो तीनों तीन साल यहाँ पर दिए हुए हैं, और सबसे पहले कायमी मिलकत। अब वो आपको याद होना चाहिए कायमी मिलकत किसको कहते हैं। तो कायमी मिलकत में पागड़ी है, ज़मीन मकान है, मशीनरी फर्नीचर है, रोकाणों है, ठीक है। इसके बाद चालू मिलकत, तो चालू मिलकत वो भी को आपको याद होना चाहिए कि चालू मिलकत किसे कहते हैं। तो देवादार हो है, रोकड़, बैंक, लेनी उंडी, फिर इसके बाद अन्य चालू मिलकत हो, ठीक है। इसके बाद देवा में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर मुड़ी, प्रेफरेंस शेयर मुड़ी, अनामत किसे कहते हैं, सामान्य अनामत, नफा नुकसान खातु, और जामीन गिरी ना प्रीमियम। इसके बाद है लांबा गाड़ाना देवा में कौन सा आता है? बैंक लोन, डिबेंचर, ये सब 12th में आता है दोस्तों, आपको तो आना ही चाहिए है। चालू देवा में है देवी उंडी, लेनदार और करवेरानी जोगवा, यानी कारीगर फंड, और यहाँ पर हमें कुछ नई तत्वा में है, ठीक है। बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप देख कर चौंक जाएंगे क्या इतना ईजी भी हो सकता है, वो भी 14 मार्क्स का। तो चलिए सबसे पहले तो मैं है 16, 17 और 18 तीनों तीन का एज इट इज जैसा फॉर्मेट दिया है वैसे का वैसा फॉर्मेट मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलकत 16, 17 और 18 ये तीनों तीन मैंने यहाँ पर उतार लिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सेम ऐसा ही फॉर्मेट है। तो अब क्या करना है आपको, तीन साल का हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें कहा है कि जो है कि टकावारी दर्शावता पत्र को तैयार करो। तो टकावारी दर्शावता पत्र को, इसका मतलब कि हमें टकावारी में रकम ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी एक साल को यहाँ पर बेस बनाना है, बेस मतलब आधार बनाना है, कोई तीनों में से कोई भी एक साल को बेस बनाना है। तो अगर 2016 को अगर आप बेस बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर 2016 को जो है बेस आधार बना लेता हूँ, और उसके अलावा 17 और 18 का यहाँ पर दो कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। अब जिसको बेस बनाते हैं, आधार जिसको बनाते हैं, उसका कॉलम यहाँ पर नहीं ऐड करना है। इसके अलावा जो दो है उसका आपको
कॉलम ऐड करना है। तो मैंने ये कॉलम भी आपको दिख लीजिए, ये कॉलम भी ऐड कर लिए। अब हम देखते हैं कि जो है सबसे पहले है हमारी पागड़ी। पागड़ी मतलब इसमें है 2016 की 4 लाख, 17 की 4 लाख और 2018 की 4 लाख दी है। अगर हमें टकावारी में ढूंढना है तो टकावारी में ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि 2017 की जो रकम है उसको 2016 के भागाकार में लिखेंगे, 2017 की जो रकम है उसको अंश में लिखेंगे, 2016 की जो रकम है वो भागाकार में लिखेंगे और मल्टीप्लाई परसेंटेज कितने पर होते हैं, 100 पर होते हैं, तो मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। तो 4 लाख भाग्या 4 लाख गुणिया 100, तो आंसर हमारा 100 आएगा। इसी तरह 18 का है तो 4 लाख भाग्या 4 लाख गुणिया 100, तो इसमें भी 100 आएगा। अब 16,80,000 17 का है, 16,80,000 भाग्या 14,80,000 गुणिया 100, तो कितना आया 113.51। आप एक बार कैलकुलेटर बैठे वीडियो अगर देखते हैं तो कैलकुलेटर देखते रहिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये वाले वीडियो के बाद मैं एक 2016 और 2018 का भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसे देखना ना भूलें। और ठीक है, इसके बाद है 16,40,000। 16,40,000 को हम भागाकार में लिखेंगे 14,80,000 को, गुणिया 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110.81। ये आपको 2002 कॉलम ऐड कर सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको सब में ही रखना है। तो 2016 का है, आप समझ गए होंगे, हम मेरे से ज़्यादा आप समझदार है। तो 11,20,000 भाग्या 12 लाख 2016 की जो रकम है उसको भागाकार में लिखेंगे और गुणिया 100, 93.33। और इसी तरह 18 का जो है 12,80,000 भाग्या 12 लाख गुणिया 100, तो 106.। इसी तरह दोस्तों ये सब पूरी की पूरी रकम यहाँ पर आपको लिखते जानी है, सेम एज इट इज़ जैसी दी है वैसे रीति आपको गुणाकार सबका टकावारी निकालते जाना है। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, ये तो 8वीं 9वीं के स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी है। और वो भी यूनिवर्सिटी, इसके मार्क्स कितने दे दिए आपको पता है, 14 मार्क्स, सोचिए आप। तो ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इम्पोर्टेंट लगा है तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जो लेकर आने वाला हूँ गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के सम।